नमस्कार, आप देख रहे हैं थलको शेखावटी। मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज नीम का थाना के विभिन्न मार्गों से निकाली जा रही है। शोभा यात्रा आगे और भी लोग, बहुत लंबी यात्रा है ये भगवान जगन्नाथ की। महिलाएं भी आरती लेकर, आरती का थाल लेकर स्वागत में तैयार है। शेयर करें, पोस्ट को सभी तक पहुंचाएं। जोड़ीन बोल रहे आगे सीमा जी ने आगे खड़े ही सीमा जी ये सभी को इत्र वर्षा की जा रही है सभी के ऊपर, और सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। काफी भव्य बड़ी यात्रा है भगवान जगन्नाथ की, और यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है जगह जगह। रामलीला मंडल द्वारा, पूर्व विधायक प्रेम सिंह बादौर द्वारा, विष्णु चेतानी द्वारा और भी अनेक लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। निरंतर प्रेम सिंह बादौर स्वागत कर रहे हैं। ये पीछे भगवान जगन्नाथ का दर्शन कराएंगे अभी आपको। बाकी डॉक्टर रणजीत जाखड़ भी यहाँ पर है, पूरा विधायक प्रेम सिंह बादौर सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। प्रतिपक्ष नेता महेंद्र गोयल, डॉक्टर आर एस जाखड़, प्रेम सिंह बादौर, यहाँ पर अनेक लोग मौजूद हैं और बात करेंगे प्रेम सिंह बादौर से। क्या कहते हैं यार, प्रेम सिंह बादौर से बात करेंगे, ये क्या कहेंगे जगन्नाथ यात्रा के बारे में आप बताइए। जगन्नाथ जी की यात्रा धूमधाम से नीम का थाना निकल रही है और पूरा नीम का थाना रोडों पे निकल चुका है। जय श्री राम। आज फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हो आप, फूल वर्षा कर रहे हैं फूल मालाओं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप बताइए और से बोलिए, जो झांकी निकली जा रही है भगवान जगन्नाथ की, ये अपूर्वी है, बहुत ही लोकप्रिय झांकी है। पूरे नीम का थाना में खुशी का माहौल है, पूरे व्यापार मंडल में इनका स्वागत हो रहा है, और आज की लंबी रैली कभी आज तक निकली जो आज निकल रही है। जय जगन्नाथ। बिल्कुल, गिरधारी पंसारी जी थे व्यापार मंडल के प्रमुख, और ये सभी लोगों ने कहा है, और बाकी यहाँ पे सभी से बात करेंगे, महेंद्र गोयल जी से बात करेंगे। आप बताएं क्या कहेंगे। पूरा नीम का थाना आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा से अभिभूत है। पूरा नीम का थाना कृष्णमय हो गया है और बहुत ही लंबा काफिला है, सब भक्तों में बहुत उल्लास है, और नीम का थाना के सभी प्रबुद्ध जन आज इस नागरिक और इस यात्रा में सब शामिल हैं। जय जगन्नाथ। आज पुष्प वर्षा के साथ भक्तों का स्वागत कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीछे भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराएंगे आपको यात्रा के, काफी पीछे है वो यात्रा, और ये
ये सभी लोगों में उत्साह है और काफी भव्य विशाल भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा है ये, और काफी लोग यहाँ पर जुटे हैं। और संजय संगी से बात कराएंगे, नीम का थाना वार्ड पार्षद हैं, क्या कहेंगे आप? ये नीम का थाना का बहुत बड़ा, जोर से बोलिए, ये नीम का थाना का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ हाँ, आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत शानदार तरीके से निकाली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी बताइए, आज नीम का थाना में जोर से बोलिए यार, क्या यात्रा को लेकर के शहर की जनता में भारी उत्साह है। भगवान जगन्नाथ जी की लाश के साथ कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी नीम का क्षेत्र को सफा बनाए रहे। डॉक्टर जाखड़ से जी बात करेंगे, बताइए डॉक्टर साहब कुछ। नीम का थाना वासियों ने जो ये जगन्नाथ यात्रा निकाली है वो अविस्मरणीय है, कई सालों तक इस यात्रा को याद किया जाएगा। नीम का थाना के जन जन में उत्साह है और ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। भगवान जगन्नाथ हम पे मेहरबानी करें, पूरे क्षेत्र पे मेहरबानी करें और पूरे क्षेत्र को धन धान्य और विद्या से सुशोभित करें। धन्यवाद, वंदे मातरम। बिल्कुल, आज प्रेम सिंह बाजौर और भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं ने कहा है, बाकी का पार्ट अभी आपको जगन्नाथ भगवान के पीछे काफी है, पीछे है वो यात्रा और दर्शन करवाएंगे आपको उनके। बाकी काफ़ी महिलाएं यहां पर खड़ी हैं और यहां पे स्वागत करने को भगवान की आरती करेंगे। आप किस प्रकार से आरती करोगे भगवान की, क्या श्रद्धा है आपकी भगवान जगन्नाथ जी में, बताइए। नहीं बोलोगे क्या, कुछ तो बोल दीजिए। चलो, खैर शर्मा रहे हैं ये सभी लोग और ये काफ़ी पीछे यात्रा है, अभी आने वाली है भगवान जगन्नाथ की यात्रा आपको दिखाएंगे। ये सभी लोग व्यापार मंडल के गिरधारी पंसारी व्यापार मंडल और कई जगहों पर भव्य स्वागत किया जा रहा है भगवान जगन्नाथ की यात्रा का। और रास्ते में अभी यात्रा है आ रही है, धीरे धीरे रथ को रस्सियों से खींच रहे हैं, रस्सियों की सहायता से, और काफ़ी अच्छा भव्य स्वागत नीम का थाना में जगह जगह किया जा रहा है रथ यात्रा का सभी के द्वारा। और अभी आपको और आगे की रिपोर्टिंग दिखाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।